अपने विचार बताएं पहले दिन पे। अभी छोड़ दे, अभी कोई विचार नहीं। जुनैद भाई आप, शहबाज भाई मजा आ रहा है? सलमान भाई आज तो मजा आ रहा होगा ना। सो गाइज, सफ़र स्टार्ट हो चुका है हमारा। जैसा कि मैंने बताया, हम कराची से फेरी मेडोज जा रहे हैं बाई रोड, और अभी अभी हम बहरिया टाउन से निकले हैं। 10:30-11 हो रहे हैं, और जहाँ जहाँ हम रास्ते में रुकेंगे, जो जो एडवेंचर्स होंगे, वक्तन फवक्तन आपको दिखाते रहेंगे। और रहिए हमारे साथ कनेक्टेड। भाई, हम लोग हैदराबाद क्रॉस करके इस वक्त सिंध के अंदर जो है वो सही तरीके से दाखिल हो गए हैं, जहाँ पे सिर्फ गर्मी सुनने को नहीं मिलती, महसूस भी की जा रही है। ये हमारे साथ हमारे फ्रेंड्स हैं जो कि गर्मी का सही तरह सामना कर रहे हैं और थोड़े कंजस्टेड होके बैठे हुए भी हैं। ये हमारे जो हैं वो ड्राइवर शाहरुख भाई, जो कि हमें जो है बिल्कुल अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहे हैं, और साथ ही साथ गर्मी का जोर भी ज़्यादा है, ये देख सकते हैं आप। सिंध की गर्मी। तो यार सईदाबाद आ गए हम, और गाड़ी चल रही है, गाड़ी के अंदर हम भी चले जा रहे हैं, और कभी ना कभी तो पहुंच ही जाएंगे अपने मुकाम पे। गर्मी इतनी है कि मैं आपको बता नहीं सकता, तो ना बताना ही बेहतर है। इसलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिप। अदनान भाई जो अंदर जूस लेने गए, लेकिन इत्तेफाक ये है कि जो है वो बिजली नहीं है भाई इधर तो, और ये कह रहा है सब कुछ गर्म है। हमने कहा आइसक्रीम खिला दो, सामने वॉल्स का फ्रिज है, लेकिन वहाँ भी कुछ सीन उल्टा ही निकला, वॉल्स के फ्रिज के अंदर कुछ था ही नहीं। तो मतलब ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है ना यार, ये तो आराम का बनाई हुई है आप लोगों ने। सो गाइस, हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे, तकरीबन रहीम यार खान है, कोई ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर। पानी के लिए एक छोटा सा स्टे लिया था, लेकिन जो शॉप है उस शॉप वाले ने माशाल्लाह ऐसी बोतलें रखी हुई हैं जैसी हम होलसेल से लेकर नहीं आते, फुल गर्म प्लेट, वैसे पानी, कोल्ड ड्रिंक, जूस, सब कुछ। तो ढूंढते हैं अगर कुछ और मिलता है, नहीं तो अगले स्टॉप पे रहिए कनेक्टेड। भाई ये गर्म जूस जो है ना पीना पड़ेगा, इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। लेकिन ये आराम का बनाई हुई है, पैसे ले रहे हैं लेकिन ले नहीं रहे, माल नहीं दे रहे। आराम का जो है ना चाइना वाली है ये। सही है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो यार अभी हम पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट मुल्तान, और खाने के लिए रुके थे यहाँ। तो तुम्हें आप लोगों को पता है, जब 4-5 दोस्त हों तो फिर यही बड़े मसले हो जाते हैं, लड़ाइयाँ चल रही हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना। एंड पे डिसाइड हो गया, बर्गर खाते हैं, आगे निकलते हैं, देखते हैं क्या होता है। सो खैर, मुल्तान से क्रॉस हो रहे हैं अब हम, देखते हैं गाइस। शाम के तकरीबन 8:30-8:15 हो रहे हैं गाइस, 10 घंटे लगे हमें तकरीबन कराची से मुल्तान पहुँचने में। सो देखते हैं आगे कितना टाइम लगता है और कब तक पहुंचते हैं। नेक्स्ट स्टॉप जो है हमारा इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद से कुछ और दोस्तों ने इकट्ठे होना है, गाड़ियां चेंज होंगी और फिर हम आगे जाएंगे फेरी। We'll be right back.
सो गाइस हम पहुंच चुके हैं तकरीबन बालाकोट पहुंचने वाले हैं हम और हम मेरे पीछे देखें भाई मुस्कुरा रहे हैं मेरे से भी मिलवाए दोस्त हैं हमारे और आप लोगों को बताता चलूं वीडियो में पीछे आप लोगों ने देखा तो होगा मेरे दोस्त थे सारे ये तकरीबन 7-8 लड़के हैं हम दो गाड़ियों पे हम जा रहे हैं इस्लामाबाद में हमने एक गेट टुगेदर पॉइंट रख तो बताना मैं आप लोगों को ये चाहता था कि हमें कराची से लेके तकरीबन जो हम इस्लामाबाद पहुँचे हैं हमें कोई ऑलमोस्ट 14-15 घंटे लगे हम जैसा कि आप लोगों को बताया था हम कराची में से सुबह 11 बजे निकले थे और जो हम इस्लामाबाद पहुँचे हम रात के 1:30-2 बजे के आसपास तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं यार तकरीबन कोई कागान के आसपास शोगरान क्रॉस किया है हमने रास्ते में एक छोटा सा रेस्टोरेंट था भूख बहुत लग रही थी सबको जैसा कि मैंने आप सब लोगों को बताया कि हम तकरीबन कोई 8 दोस्त हैं सबको भूख लग रही थी तो हमने सोचा कोई स्टॉप लें खाना वाना खाएँ साथ में व्यू चेक करें तकरीबन कोई शोगरान हमने क्रॉस किया है नारान के आसपास हैं हम और खाना खाएँगे और जाएँगे अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा जैसा कि मैंने आपको बताया कराची से निकले थे हम फेरी मेडोज़ जा रहे हैं बाय रोड जा रहे हैं और टोटल जो कोई हमारा कोई एक्सपेंसेस हुए या मतलब फ्यूल कॉस्ट हो गया कुछ भी हुआ वो मैं आपको इंशाल्लाह वक्तन फवक्तन मैं आपको बताऊंगा जो भी कोई फ्यूल कॉस्ट वगैरह है या कुछ भी है सो कनेक्टेड रहिए मेरे साथ अभी हम निकलेंगे यहाँ से खाना वगैरह खा के खाना खाने के बाद हम लोग जाएँगे डायरेक्ट हमारा जो प्लान है वो तो जाना हमने फेरी मेडोज़ लेकिन फेरी मेडोज जाने से पहले हमने एक रात स्टे करना है क्योंकि कराची से निकले हुए ऑलमोस्ट 27 घंटे हुए हैं सोए हुए नहीं हैं हम लोग तो नींद तो ज़रूरी है ना भाई तो प्लान ये बना है कि हम लोग नारान के बाद एक कोई 10-15 किलोमीटर की रेंज में एक आता है बाटा कुंडी कहते हैं उसे और बड़ा ही कोई खूबसूरत मुकाम है तो हमने सोचा एक रात वहाँ स्टे करेंगे थोड़ा सा रिलैक्स होंगे सुबह फर्स्ट टाइम निकलेंगे फेरी मेडोज़ के रास्ते पे क्योंकि उस रास्ते पे जैसा कि आप सब लोगों को पता है जीप्स वगैरह चलती हैं उसके बाद पैदल या खच्चर वगैरह यूज़ करना होता है टाइम चाहिए होता है फ्रेशनेस चाहिए होती है इस हालत में तो जाना मुमकिन नहीं है तो हम लोग फ़िलहाल जा रहे हैं बाटा कुंडी वहाँ पर हम स्टे करेंगे रात रुकेंगे अगले दिन निकलेंगे फेरी मेडोज़ बाटा कुंडी पहुंचने तक भी और आगे फेरी मेडोस तक भी रहिए मेरे साथ कनेक्टेड गाइस तो यार खाने का वेट हो रहा है और व्यू एंजॉय कर रहे हैं हम लोग मज़े ले रहे हैं दाल मखनी ऑर्डर की है देखो कैसी दाल मिलती है हमें यहाँ पे खाने को पराठे वराठे भी हैं साथ में भूख बहुत शदीद की लगी है और पहले तो कुछ खाएंगे उसके बाद हम आपको आगे बहुत ही पते की बात बताएंगे
चाबी चेंज करा बोले कमरा नहीं खुल रहा हमारे दोनों السلام علیکم گائز سو صبح ہو چکی ہے اور ہمارا تیسرا دن ہے تقریباً ہو چکا ہے ناشتہ ہو گیا ناشتہ واشتہ کر لیا منڈ گیا ہم نے پراٹھے انڈے کھا لیے چنے ونے کھا لیے تو بھائی سین کچھ ایسا ہے نکل چکے ہیں ہم اپنے بوڑا بھائی شہر ہے وہاں سے تو گائز آپ کو پتہ ہے جیسا کہ ہم جا رہے تھے فیری میڈوز کی جانب اور راستے میں ایک یہ مقام آیا جہاں ڈرائی فروٹس وغیرہ ہیں اور شہد وید ہے گڑ فوڈ ہے ہمیں کچھ تھوڑا بہت شہد چاہیے تھا تو ہم نے اسٹاپ لیا جس جگہ پہ ہم رکے ہیں بڑی زبردست جگہ ہے پیچھے آپ نے ویڈیوز میں دیکھا ہوگا میرے پیچھے آپ کو نظر بھی آ رہی ہوگی میں آپ کو سامنے سے دکھاتا ہوں تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہم رکے ہوئے ہیں یہ ہے لولو سر لیک ہم لوگ رکے ہوئے ہیں جھیل لولو سر بڑا خوبصورت نظارہ ہے بڑا مزہ آ رہا ہے گائز آپ لوگوں کو میں دکھاتا ہوں لیک لولو سر سو گائز ہم نکل چکے ہیں پہنچ چکے ہیں ہم بابو سر ٹاپ پہ اور پیچھے مارکیٹ میں نے آپ کو دکھائی کوشش کی تھی ہم نے رکنے کی سم وغیرہ لینی تھی موبائل کے سگنلس تو بالکل نہیں آ رہے سارے نیٹ ورکس کے یہاں پہ صرف ایسکام چلتی ہے یہاں سے ملی نہیں بابو سر ٹاپ سے ان لوگوں نے بولے چلاس سے ملے گی ابھی ہمارے راستے میں چلاس بھی آنا ہے سو اب ہم پھر بابو سر ٹاپ پہ اسٹاپ نہیں لے رہا چھوٹا سا مختصر سا اسٹاپ لیا اور بس ابھی ہم نکلیں گے چلاس وہاں اسٹاپ لیں گے سم ویم لیں گے اور ہماری کوشش ہے کہ جلد سے جلد ہم اس مقام پہ پہنچیں جہاں سے جیپس وغیرہ ملتی ہیں اور ہم جائیں گے اوپر فیری میڈوز سو کرنٹلی میں کھڑا ہوا ہوں یہاں پہ جو بابو سر ٹاپ ہے
और आपको बस अपडेट देनी थी एक। अब हम यहाँ से निकलेंगे, अब हम जाएंगे चिल्लास, वहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और सिम वगैरह लेंगे, शायद कुछ मंचिंग के लिए भी ले लें, फिर हम आगे निकलेंगे अपने सफ़र की तरफ। रवाना हुआ मज़ा आ रहा है यार। बाबूसर टॉप से अब दोबारा हम नीचे की तरफ उतर रहे हैं, पहले हम चढ़े थे बाबूसर टॉप की तरफ, तकरीबन कोई 13,700-14,000 फिट की ऊंचाई पे है बाबूसर टॉप, और वहाँ से अब हम निकल चुके हैं, अब हम नीचे की तरफ उतर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा स्टॉप है चिल्लास, और चिल्लास पे रुकेंगे, कुछ ज़रूरत की चीज़ें लेनी है और लेकर हम चलेंगे अपने सफ़र पर आगे। कनेक्टेड रहिए। इंतहा हो गई इंतज़ार की। भाई 1.5 घंटे हो गए हम लोग यहाँ पे खड़े खड़े, पुराने हो गए, वो लोग आए नहीं अभी तक, क्या करें, हम प्लान सारा ख़राब हो रहा है। हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे धूप में, कुछ करने को नहीं है, ना आगे के ना पीछे के, बीच में खड़े हुए हैं लटक के। अब देखो कब पहुँचते हैं हम फेरी मेडोज, पहुँचते भी हैं कि नहीं पहुँचते। एक तो इनका ये भी बड़ा मसला है, इनका मीटर घूमने में टाइम नहीं लगता। बहरहाल जाएंगे तो सही, आज नहीं तो कल से जाना ज़रूर। तो भाई निकल चुके हैं, बहरहाल चिल्लास से निकल चुके हैं हम। अब हम नेक्स्ट स्टॉप जो हम हैं कहीं भी नहीं रुकेंगे, डायरेक्ट रायकोट ब्रिज पे रहेंगे, वहाँ से जीप पकड़ेंगे ऊपर फेरी में। ऐसे बिल्कुल कन्नों पे लटका हुआ, ये जो आगे रखा हुआ ये किसने चेक करो गाइस। चेक करो यार ये कैसे पहाड़ हैं पत्थरों के, और बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर पे पत्थर लटके हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि बस कोई भी पत्थर कभी भी गिर जाएगा। फेरी मीडोज
अच्छा कितना 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 ये लोग कहाँ? अरे ऊपर मैं थोड़ी जाऊंगा जीत गए। अच्छा ये कह रहे तो? अच्छा हाँ ये रास्ता जा रहा है। अरे कुछ भी नहीं है मैं तो। अरे यार सारे गाड़ी चला दे ऊपर। अगेंद्र बिचो। तो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं हम रायकोट ब्रिज और ये पूरा जीप स्टैंड है। यहाँ से हमें जीप मिलेगी जो हमें लेकर जाएगी ऊपर फेरी मेडोज। रेट्स वेट्स की बात चल रही है, बस देखते हैं कब जाते हैं और क्या करते हैं। और ये देखें ये मेरे पीछे है, ये देखें मेरे पीछे रोड है जो ऊपर जा रहा है फेरी मेडोज की तरफ। रोड मैं आपको दिखाऊंगा, बड़े ख़तरनाक रोड है, एक अलग ही किस्म का एडवेंचर होने वाला है गाइस। सो लेट्स सी क्या होता है। अभी तो हम खड़े हुए हैं, गाड़ी पार्किंग में लगा रहे हैं, साथ में दोस्त वगैरह बातें कर रहे हैं, कुछ खा पी रहे हैं, मंचिंग कर रहे हैं। तो उसके बाद चलते हैं हम लोग ऊपर और देखते हैं क्या होता है। जैसे ही डन होती है तो निकलते हैं ऊपर, रास्ता भी आपको दिखाएंगे, पहुंच के भी आपको नज़ारे करवाएंगे। रहिए हमारे साथ और मज़ीद आपको लेकर जाते हैं फेरी मेडोज तक। टाइम जो हो रहा है वो कोई ऑलमोस्ट 4:30 हो रहे हैं। अभी निकलेंगे तो हम तकरीबन कोई 7 बजे तक ऊपर पहुँचें हाइकिंग पॉइंट पर। वहाँ से हाइकिंग स्टार्ट होती है, 2-2.5 किलोमीटर तक की तकरीबन कोई हाइकिंग है, वो करेंगे, पैदल जाएँगे। खच्चर दूसरा ऑप्शन खच्चर होता है, पर हम लोग ये सोच रहे हैं कि अपने सामान 2 खच्चर करवाएंगे, सामान खच्चरों पे रखेंगे, खुद हम लोग पैदल करेंगे एंजॉय करते हुए। तो देखते हैं वहाँ जाकर क्या प्लान बनता है। फ़िलहाल बस यहाँ से देखें, थोड़ी देर में निकलने वाले हैं हम लोग और लेट्स सी, रहिए हमारे साथ, बड़ा मज़ा आने वाला है। बड़ा ही ज़बरदस्त डेंजरस किस्म का और एडवेंचरस ट्रिप होने वाला है हमारा और हम पहुँचने वाले हैं फेरी मेडोज़ कुछ ही देर में।